गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में केंद्रीय सशस्त्र बलों के लिए आयुष्मान योजना की शुरुआत की। अब सीएपीएफ के जवानों को केंद्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम का लाभ मिलेगा। इस योजना के जरिए केंद्रीय सशस्त्र बलों के करीब 10 लाख जवान देश भर के 24,000 अस्पतालों में मुफ्त इलाज करा सकेंगे। उनके 50 लाख परिजनों को भी इसका फायदा मिलेगा। योजना की शुरुआत करते हुए शाह ने कहा कि सीएपीएफ के सभी जवानों और उनके परिवारों के लिए आयुष्मान सीएपीएफ योजना शुरू करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन से अच्छा दिन नहीं हो सकता। उन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनके इस नारे ने आज़ादी की लड़ाई में युवाओं में जोश भर दिया था। 130 करोड़ की आबादी भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी, इसका परिणाम है कि ये सफलता। और हमारे सीएपीएफ के जवान, पुलिस के जवान कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रथम पंक्ति में पाए गए। चाहे लॉकडाउन की अनुपालना करानी, चाहे कोई बीमार को अस्पताल पहुंचाना हो, चाहे लॉकडाउन तोड़ने वालों को विनय से अपने घर वापस भेजना हो, चाहे एयरपोर्ट पर सुचारू व्यवस्था करनी, चाहे अस्पतालों की सुरक्षा करनी, कहीं भर भी पुलिस और सीएपीएफ के जवानों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और पुलिस और सीएपीएफ के कई जवान संक्रमित भी हुए और उन्होंने अपनी जान भी गंवाई, परंतु ये लड़ाई में इन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ, डॉक्टरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी।